तो जय जीवदानी, आज हम सीख रहे हैं नींबू अदरक और मिर्ची का अचार कमाना खाना। मैंने कई अचार सिखाए हैं आपको और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, और जल्दी जल्दी आप मुझे बताइएगा कमेंट करके मेरे सारे अचार आपको कैसे लगे। मैं घर में ही बहुत कुछ करती हूँ, अचार बनाती हूँ, घी बनाती हूँ, गर्म मसाला पीसती हूँ। आप लोगों की डिमांड पर मैं गर्म मसाला भी दिखाऊंगी कैसे पीसती हूँ। ओके, तो जल्दी जल्दी कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दीजिए, अब भी कर दीजिए, थैंक यू सो मच, कर दिया ना आपने सब्सक्राइब। ओके, चलिए सीखते हैं ये अचार कैसे बनाते हैं, नींबू अदरक और मिर्च का अचार, गर्मियों के लिए जो होता है हाजमा। अगर इसमें आप हरी मिर्च ना डालें, तीखी वाली, मैंने तो फूकी मिर्ची डाली है जिसका कोई ज़्यादा तीखापन नहीं है, और अगर ये भी ना डालें तो बिल्कुल हाजमा हो जाएगा, ये तबीयत ठीक हो जाए, कभी उल्टी आए, कभी घबराहट हो, तो ये थोड़ा सा चाट लें, यू विल फील बेटर, मच बेटर। तो चलिए सीखते हैं नींबू मिर्ची अदरक का अचार। तो नींबू मिर्ची अदरक का जो अचार बनेगा, जो आप बार बार बना सकते हैं, जब नींबू आ जाए मार्केट में बना डालिए और थोड़ा 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 करके बना लीजिए, काहे को बाजार का खाने का है ना, अपनी तबीयत खराब करने की। तो ये ले ली है मैंने मिर्ची, जो ज़्यादा तीखी नहीं है और सीसी नहीं होगा आपको, और ये है मैंने लिया नींबू, बड़ा महंगा मिला यार, एक नींबू 8 रुपये का था, कमाल है। और ये मैंने लिया है अदरक, तो ये अदरक और इन तीनों को पहले काट लूँ, आगे का प्रोसीजर बाद में बताती हूँ, चलेगा ना। तो ये मैंने पतीला ले लिया है और ये नींबू काट लिए थे मैंने छोटे छोटे, आप भी काट लीजिए, नींबू बहुत महंगा हो गया पता है, 8 रुपये का एक नींबू है। तो मैंने, मेरे परिवार तो छोटा सा है, 2 बच्चे हैं, तो मैंने सोचा इतना ही बनाऊं, इतना वेस्ट ना हो, तो मैंने नींबू काट लिया, फिर उसके अंदर मैंने ये मिर्च डाल दी कटी हुई, और छोटा सा पतीला लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने डाल दिया ये अदरक कटी हुई। यही तो मज़ा है, असली मज़ा तो अदरक का ही आने वाला है, आप देखिए। अब ये डालने के बाद मैं इसमें, देखिए मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मिर्च है हाँ इसमें बहुत सारी, इसमें मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं। इसमें क्या डालना है आपको, ये मैंने आधा चम्मच, मतलब एक छोटा चम्मच पूरा भरा हुआ हल्दी डाल दी है, और इसमें नमक ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि खट्टा बहुत है ना, तो नींबू की वजह से बहुत खट्टा होगा, तो मैंने ये आधा चम्मच से ज़्यादा नमक डाल दिया है। अब इसमें क्या पड़ेगा, अब जो भी पड़ेगा वो हाथ से पड़ेगा, दिखाया ऐसे जाएगा आपको। ये है सौंफ, तो ये सौंफ मैंने एक अपना मुट्ठी भर के सौंफ ले लिया, थोड़ी सी ज़्यादा लेने की ज़रूरत है मुझे लगता है, ताकि इसका जो है स्वाद अच्छा आए। और ये मैंने ले लिया एक छोटी चम्मच पीली राई, तो ये पीली राई भी डाल दी है मैंने इसके अंदर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसमें आप चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 चम्मच अजवाइन। अब ये ऐड हो गया मेरा, अब क्या ऐड करूंगी, सस्पेंस। अरे कुछ भूली तो नहीं, भूल चुके हूँ, और ये तो मेरी उम्र, अरे उम्र की बात नहीं करनी मुझे, ओके। यहाँ पर तो मैं, यहाँ पर 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ इसमें। आपको पता है नींबू खट्टा और पीली राई खट्टी, तो मैंने खूब सारी चटपटी बनाने के लिए ना इसमें डाल दी है चीनी, और मेरा दिल किया तो मैं उसमें लाल मिर्ची भी डाल दूंगी, मेरी मर्जी। तो सरप्राइज, मैं इसमें क्या डालूंगी, ऑयल नहीं डालने वाली मैं, ओके। मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू का रस, तो मैंने 5-6 नींबू निचोड़ दिए थे छोटे बड़े, और अब इस मिश्रण को मैं मिक्स करूंगी। अब देखिए इसकी कैसी शक्ल लग रही है, इसको मिक्स कर दिया था मैंने, अभी धूप इसको लगाऊंगी, उससे पहले इसको हाजमा बना लूं। और ये हाजमा बनाने के लिए मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डाल देंगी तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हरी मिर्ची है, जो मैंने तीखी वाली नहीं डाली है, ओके। तो ये मिर्ची फोकी है, ये तीखी नहीं लगती। अब देखिए मज़ेदार बात आपको इसकी बताऊँ, मज़ेदार बात यह है कि ये इतना हाजमा है, किसी को उल्टी आ रही हो, किसी का पेट खराब हो, मिर्ची ना डालें आप, नींबू अदरक का भी डाल सकते हैं, और ये जैनी भी खा सकते हैं, कोई भी खा सकता है, मतलब ये आपके लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है, और गर्मियों में तो बार बार पेट खराब हो जाता है, तो ये अचार घर में डाल ही लेना चाहिए, ओके। तो चलिए अब मैं इसको बर्नी में पलटूंगी, उससे पहले मैं इसको ज़रा सा चख के देख लूँ कि नमक ठीक है क्या, बहुत ज़रूरी है किचन में हमारी जो महिलाएं हैं उनको चख के देखना चाहिए। देखिए शबरी ने भी तो चख चख के ही बेर खिलाए थे ना भगवान को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं चख के देखने में, चखिए। मैंने टेस्ट किया और मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा नमक कम है, क्योंकि बहुत चीनी है, बहुत खट्टा है, तो मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक और डाल दिया,
और अब इसको मिक्स करके मैं जार में पलट लूंगी। तो देखिए तैयार है हमारा नींबू अदरक और मिर्ची का अचार गर्मियों में खाने के लिए। अभी धीरे धीरे सेटल होगा, नीचे बैठेगा, जब धूप लगेगी इसको। चलिए धूप के पास चला है ये, और अभी मैं फिलहाल इसको बांध देती हूँ ऐसे ताकि धूप भी जाए, ढक्कन ना लगाऊं, और बाद में इसको खोल के रात को ढक्कन लगाऊंगी, फिर सुबह हिलाऊंगी, फिर इसका जो प्रोसीजर अभी 7-8 दिन चलेगा। ओके, तो तब तक के लिए आपको सब्सक्राइब कर देना है मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube.com/कमाना खाना। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे कई डिशेज मिलेंगी और मजा आएगा 300 डिशेज देख के मेरी। मैंने 300 से भी ऊपर डिशेज बना ली, अरे बाप रे, मतलब मैं सरप्राइज हूँ। ओके, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है ना। प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा मेरा ये अचार।